वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है ADOBE इलस्ट्रेटर का टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास और आज हम बहुत ही छोटा सा और बहुत ही पावरफुल ऑप्शन देखेंगे, कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है और इसको किस तरह से कैसे यूज़ में लेंगे आज की क्लास में हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड पाथ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आर्टबोर्ड को जूम कर लूँ और दो शेप मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल या स्क्वायर मैंने एक ड्रॉ किया और उसको रोटेट कर देते हैं। स्ट्रोक को मैं नन कर रहा हूँ और फील का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, राइट थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। एक शेप और ड्रॉ कर लेते हैं, एलिप्स इस तरह से, इसको कर दिया मैंने ग्रीन। ऑलराइट, सो एक फीचर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि हमने बेसिक में देखा था। अगर बेसिक नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई के बटन में क्लिक कीजिए और बेसिक आप देख सकते हैं डिटेल में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पाथ फाइंडर। ये है जी पाथ फाइंडर का पैनल, इसको आपने डिटेल में देखना है, ऊपर आई के बटन में आप देख सकते हो, उसमें लिंक है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं करूँगा माइनस फ्रंट। तो करता क्या है कि ऊपर वाले ने नीचे वाले को पंच कर दिया, या फिर इस ग्रीन को मैं इसके बीच में लेके आ रहा हूँ। ऑलराइट, सो दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कर रहा हूँ माइनस फ्रंट। अब ये करता क्या है, देखिए ऊपर वाले शेप ने नीचे वाले शेप को पंच कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये पंच है, फील नहीं है इसमें। ऑलराइट, सो यही काम आप पाथ फाइंडर के अलावा कंपाउंड पाथ से भी कर सकते हो। दोनों में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं अंडू कर रहा हूँ, सो फिर से मैं ऐसे ला रहा हूँ। ऑलराइट, सो अब मैं दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए कंपाउंड पाथ आपको दो जगह मिलेगा, या तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे मिलेगा मेक कंपाउंड पाथ, या फिर ऐसे कीजिए कि दोनों शेप को सेलेक्ट कर लीजिए। याद रखिए कंपाउंड पाथ के लिए एक से ज़्यादा की शेप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सभी शेप को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जाइए ऑब्जेक्ट्स एंड यहाँ नीचे आ जाइए और यहाँ पे मिलेगा आपको कंपाउंड पाथ मेक, ठीक है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+8। तो मैंने इस तरह से मेक कर दिया और ये भी इसी तरह से ही काम करता है। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो कि इसने भी बीच से उसको पंच कर दिया, लेकिन अब दोनों में फ़र्क क्या है। पाथ फाइंडर से अगर हम माइनस फ्रंट करते हैं किसी शेप को, फॉर एग्जांपल के लिए इसी को मैंने माइनस फ्रंट किया और इसी फाइल को मैंने सेव कर दिया, इलस्ट्रेटर को फाइल को बंद कर दिया और इलस्ट्रेटर को भी मैंने बंद कर दिया। अगर मैं वापस से उसी फाइल को ओपन करूं और उसको एडिट करना चाहूं या फिर बैक जाना चाहूं तो नहीं जा सकता हूं, पर कंपाउंड पाथ से अब वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आप एडिट कर सकते हो और वापस जाना चाहो, यानी कि उसी शेप को वापस लाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, राइट। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं वापस से जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे कंपाउंड पाथ, और अगर हम रिलीज़ कर दें तो आपको वो वापस से शेप मिल जाता है, राइट। ऑलराइट, सो अंडू कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और माउस से डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही ये ऑसिलेट मोड पे चला जाता है। अब चाहो तो आप इसको मूव कर सकते हो कुछ इस तरह से, राइट। आइसोलेट मोड से वापस आने के लिए दो तरीके हैं, या तो डबल क्लिक कीजिए फिर से आर्टबोर्ड में माउस से, यहाँ पे आपको एरो दिखा रहा है बैक ऑन लेवल, ठीक है। और एक बार और अगर आप क्लिक करेंगे इसी एरो पे तो एग्जिट आइसोलेट मोड हो जाएगा। ऑलराइट, सो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, सबसे आसान तरीका है इसको एडिट करने का कंपाउंड पाथ को। मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट सेलेक्शन टूल को।
अब देखिए मैं यहाँ से इसको एडिट भी कर पा रहा हूँ, अब जैसा मर्जी इसको एडिट कर सकती हो, राइट राइट। सो अंडो करो मैं, और यही नहीं आप ऐसे ही रहते एक और शेप, एक ही क्या आप और कई सारे शेप इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ छोटा सा करके, राइट। उसका कलर मैं ब्लू कर रहा हूँ और इसको मैं उठाकर यहाँ कहीं रख देता हूँ। फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सबको, ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ एंड मेक। सो कुछ इस तरह से भी आप कर सकती हो, राइट ऑलराइट। सो और आगे बढ़ जाते और भी हम कुछ इसमें देखेंगे, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ऑलराइट सो एक शेप और ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और इस पे मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, राइट, और स्ट्रोक को मैं नन कर देता हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट सो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ऑलराइट सो अब मैं फिर से कुछ शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, राइट, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। कुछ इसकी डुप्लीकेट भी हम कर लेंगे। ऑलराइट सो देखिए अब मुझे इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, यही वाला, तो कैसे करेंगे देखिए, दो तीन तरीके हैं। एक तो आप ऐसा करते हो कि सबको सेलेक्ट कर लेते हो और राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले रहा हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, ठीक है जी। मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ से पिक कर लूँगा कलर। हुआ क्या, अब देखिए अगर हम ग्रुप करके और ग्रेडियंट को पिक करते हैं तो होता क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट में सेपरेटली ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है, राइट। अब मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से यूनाइट कर दूँगा। ऑलराइट सो मैं अब ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ इसमें भी, तो इसमें भी आप देख सकते हो ग्रेडियंट सेपरेटली अप्लाई हो रहा है हर एक ऑब्जेक्ट पे। पर इस तरह से आप अगर नहीं चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि एक ही ग्रेडियंट सारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो, तो वो आप कंपाउंड पास से कर सकते हो। सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सारे शेप को और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाएंगे कंपाउंड पाथ और मेक, ठीक है। अब मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, ये यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। और ऑलराइट सो ये देख सकते हो एक ही ग्रेडियंट सारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया। यही नहीं, आप इसको सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हो। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल पे और कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो, और कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट सो मैं फिर से इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ऑलराइट सो और भी मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ से एक एलिप्स मैंने सेलेक्ट किया और एक सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इन सर्कल की मैं कुछ डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ और इस तरह से, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, रोटरेट भी कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऑलराइट सो अब मैं ये चाहता हूँ कि इन शेप के अंदर मैं कोई इमेज रखूँ, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो उसके लिए जाएंगे फाइल प्लेस, पहले इमेज को हम प्लेस कर लेंगे और एक इमेज को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, राइट। इमेज सेलेक्ट है, एम्बेड कर लेंगे प्रॉपर्टी में आगे क्विक एक्शन के नीचे एम्बेड, ठीक है। ऑलराइट सो अब मैं ये इमेज को उठाकर यहाँ लेके आता हूँ शेप के ऊपर और शेप के नीचे ले आऊँगा राइट क्लिक एंड अरेंज सेंड टू बैक, राइट। और इस इमेज को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट तो अब देखिए होगा क्या, कई लोग क्या करते हैं कि इसको ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। कई बार सवाल भी मेरे से ये किया गया है
कि सर हम ग्रुप करके ऐसा करते हैं तो नहीं हो रहा है, नहीं होगा। आप ग्रुप करके प्लीज़ मत कीजिए इसको, इसको कभी भी ग्रुप करके करना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करते हुए पहले इस इमेज को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इन शेप को मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्लिपिंग मास्क अगर करूँ उन सबको सेलेक्ट करके, तो कुछ इस तरह से आपका शेप भी गायब हो जाएगा, और हर शेप तो गायब नहीं हुआ लेकिन आपका इमेज ज़रूर गायब हो जाएगा, तो प्लीज़ इस तरह से मत कीजिए। ऑलराइट, सो एक और गलत तरीका आप लोग यूज़ करते हो, यूनाइट करके। यूनाइट करके भी नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए भी मेरे से कई बार सवाल किया गया है कि सर हम यूनाइट करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यूनाइट करते हैं और उसमें कोई इमेज को मास्क करके लगाते हैं तो इमेज गायब हो जाता है, ठीक है। वैसे ही होगा जैसे हमने अभी देखा ग्रुप पर, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इन सबको सेलेक्ट करके पहले अनग्रुप कर देता हूँ, सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ से कर देंगे इसको यूनाइट। अब सबको सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से नहीं होगा। प्लीज़ इस तरह से मत कीजिए, ना यूनाइट को यूज़ कीजिए ना ग्रुप को, आप यूज़ कीजिए कंपाउंड पाथ को, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से अनग्रुप कर रहा हूँ इनको और सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ मेक, ठीक है। इसमें कई सारे फ़ायदे हैं, आपको फ्रीडम मिलती है, आप एडिट भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब ये कंपाउंड पाथ हो गए, इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क, तो कुछ इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेके कुछ शेप को इधर उधर मूव कर सकते हो या फिर इमेज को इधर उधर मूव कर सकते हो, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ कि इस शेप का थोड़ा सा शेप ही बिगाड़ रहा हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हो, आप चाहो तो इसको इमेज को ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो, इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, सो आई होप कि ये छोटा सा ऑप्शन कंपाउंड पाथ का आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले ADOBE इलस्ट्रेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स क्लास में किसी और नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।